जय श्रीनाथ जी, जय गुरुदेव, जय सीएलसी। मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे सारे अपनों को नोटा देने जा रहा हूं, आमंत्रण देने जा रहा हूं, बुलाव देने जा रहा हूं कि 18 अगस्त 2024, हाँ प्रोग्राम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, 18 अगस्त 2024 को नाथ जी और बाबा की प्रतिमाओं का अनावरण है। 17 की बजाय 18 क्यों किया है इसके पीछे खास कारण है। हमारा सौभाग्य है, हमारा एक छोटा सा निमंत्रण हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा ने स्वीकार किया और उनका भी 18 तारीख को प्रोग्राम रखो, माऊंगा। दोस्तों, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मोदी के हाथों गुरुजी और नाथ जी की मूर्ति का अनावरण होना मेरा 8 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। करीब 8 साल पहले सपना देखा था मैंने कि 17 अगस्त 2024 को मेरे गुरुदेव का 100वां जन्मदिन होगा और मैं गुरुजी और नाथ जी की मूर्ति का अनावरण सीएम के हाथ से कराऊंगा। तब ये बातें बड़ी लोग मजाक सी करते थे, वैसे तो मेरी बातें शुरू शुरू लोग मजाक ही करते हैं, क्योंकि 96 में मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया था और हमने कहा शिक्षा नगरी बनाएंगे, कोटा से आगे जाएंगे, तो भी लोग मजाक करते थे। ऐसे एक मजाक अभी और भी लोग करते हैं। मैं कहता हूँ कि 2028 में फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, क्योंकि वहाँ 30 साल से भारतीय जनता पार्टी विधायक नहीं बन पा, वहाँ भी कई लोग हंसते हैं, वो सपना पूरा करेंगे। दोस्तों, सपने देखने की हिम्मत रखो, वो पूरे करने की क्षमता भगवान अपने आप आपके अंदर देता है। जैसा कि 18 अगस्त 2024 को 8 साल पुराना देखा मेरा सपना पूरा हो रहा है। और तो सपना ही नहीं था कि मूर्ति अनावरण हो, मुख्यमंत्री आए, ये भी था कि इंडिया की टॉप रैंक्स के बच्चे मेरे साथ रहें, मुझे कहते बहुत खुशी होती है। नीट 2024 में पहले शो में मेरी दो बेटियां ओजल राव और स्वीटी ढाका पहले शो की रैंक में है। राजस्थान स्टेट की फर्स्ट रैंक आर्ट्स के हमारे पास है, साइंस की स्कूल की स्टेट मेरिट, जेई का रिजल्ट, नीट का रिजल्ट, और कहते बहुत खुशी होती है। 12वीं के साथ मेरा बेटा प्रशांत मीणा IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में गया है। एक नहीं, सब सपने पूरे हुए। इस बार सीएलसी रिजल्ट में 4 गुना बढ़ी, हर जगह सीएलसी बढ़ी। सीकर में इस साल सबसे ज्यादा रिजल्ट की ग्रोथ, हर तरह ग्रोथ जो हुई वो सीएलसी की हुई, क्योंकि बाबा के 100वें जन्मदिन पे हम लोगों के आशीर्वाद जो मिला है, तो मेहनत हम लोग उससे बाबा करवा पाए उसका आशीर्वाद जो मिला है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो फिर 18 अगस्त 2024 को आपकी मूर्ति का अनावरण हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे मेरे अपनों से अपील करना चाहता हूं कि प्रोग्राम का संशोधित कार्यक्रम सुन लो। 16 अगस्त को प्रोग्राम नहीं है, 17 अगस्त को सुबह 10 बजे से रक्तदान शिविर है सीएलसी कैंपस में, शाम को 4:30 बजे से हर्ष और गोरिया की जमीन में पौधारोपण है, और शाम को 8:30 से 11:15 तक प्रकाश जमाली का पद संध्या है। ये सारे प्रोग्राम है। दोस्तों, हो सकता है दोबारा आप समय बहुत कम है, कॉल नहीं हो पाए, तो सोशल मीडिया का निमंत्रण ही आप अपना निमंत्रण माने। ये प्रोग्राम आपके श्रवण का नहीं है, आपकी सीएलसी का नहीं है, ये आप सबका प्रोग्राम है, मेरे उन सब अपनों का प्रोग्राम है। और अंत में इस वीडियो के माध्यम से मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। मेरे दोस्त परमेश्वर का आभारी हूँ जिनके माध्यम से वो निमंत्रण पहुंचा, कि मैं तो श्रावण की पूजा बैठा हुआ हूँ। मैं संकल्प था कि मैं श्रावण में घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरे घर से बाहर नहीं निकलने के बावजूद भी मेरे मित्र परमेश्वर ने वहाँ बात रखी और परमेश्वर की बात को सीएम साहब स्वीकार किया। सीएलसी परिवार बहुत बहुत आभारी है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार टीम सीएलसी कितना अच्छा काम करेगी कि आपको फख्र होगा आपके राजस्थान पे, आपके सीकर पे, आपकी सीएलसी पे। नमस्कार, सभी साथियों के इंतजार में श्रवण आपकी सीएलसी। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार जो पधार रहे हैं सीकर। नमस्कार, जय सीएलसी।